जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सका। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तकरीबन एक महीना हो गया है मैंने यूट्यूब पे अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की। एक्चुअली काम में इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था जिसके चलते वीडियोज़ के लिए टाइम निकालना और टाइम को मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब से इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली अपनी वीडियोज़ को अपलोड करूँ और आप सब लोगों को उन वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि वो सब लोग जिन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस किए फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी कि सर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब से मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर बेसिस पे कॉन्टीन्यूसली अपनी वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँ और आप सब लोगों को उन वीडियो से फ़ायदा पहुँचता रहे। एक काम जो आप लोगों ने करना है वो ये है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस आउट ना हो जाए। और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जहाँ जहाँ भी हो सके शेयर ज़रूर करना है। क्यों करना है उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि नॉलेज शेयर इज़ इक्वल टू नॉलेज स्क्वेयर। क्या जो नॉलेज आप शेयर करते हैं वो नॉलेज डबल हो जाता है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप इस नॉलेज को आगे से आगे शेयर करें, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि हर शख्स को जितना ज़्यादा हो सके फ़ायदा पहुँच सके। वेल, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड करते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, माइंडसेट ऑफ अ बिलियनर। बिलियनर कौन होता है? बिलियनर वो लोग होते हैं जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करने लगा हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबसे पहले इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें क्योंकि आगे की टोटल वीडियो इस एक पॉइंट पे बेस करती है। लेकिन दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 7.8 बिलियन लोग हैं। अब इन 7.8 बिलियन में से टोटल बिलियनर्स कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 2,153, जो कि रेशियो के हिसाब से बनते हैं तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 0.00003%। छोटी सी रेशियो है इस पूरी दुनिया में से बिलियनर्स की। अब इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ ऐसे राज ज़रूर हैं जो बाकी के 7.8 बिलियन लोगों के पास नहीं हैं। अब देखें, बात ये आप में से हर एक शख्स कामयाबी चाहता है। आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हर एक शख्स कामयाब होना चाहता है। लेकिन कामयाबी से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यार अगर हम इस लेवल पर जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी हो चुके हैं वो कैसे हुए हैं, उनके पास ऐसे क्या राज हैं जो आम लोगों के पास नहीं हैं। आप में से जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में किसी न किसी बिलियनर का जिक्र जरूर कर देता हूँ, उसकी एग्जांपल जरूर दे देता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह कि मैंने बिलियनर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि एलन मस्क जो कि वन ऑफ माय मेंटोर हैं, उन्हें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडी किया है। अब जितने भी दुनिया के बिलियनर्स हैं मेजॉरिटी को मैंने स्टडी किया हुआ है और स्टडी करने के बाद उनके कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने अपनी इस डायरी में नोट कर लिए हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मैंने अपना नॉलेज स्टडी किया हुआ है उसको मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन माइंडसेट शेयर करूँगा जो कि किसी बिलियनर के होते हैं। बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए, जो कि हर एक शख्स चाहता है डेफिनेटली, कि आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें और समझें। वेल, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और डायरेक्टली मूव फॉरवर्ड करते हैं माइंडसेट नंबर वन पे। माइंडसेट नंबर वन ये है, अ बिलियनर डोंट वर्क फॉर मनी, कि बिलियनर कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे एक शख्स बिलियनर बन गया, दुनिया का अमीर शख्स बन गया और वो पैसे के लिए काम नहीं करता। यही साइंस है जो हमें समझना पड़ेगी। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है? मतलब आपको क्या चीज़ है जो आपको पुश करती है कि आप मेहनत करें, आप कामयाब हो जाएं? फॉर एग्जांपल, हमें मोटिवेट करता है कि यार हमारे पास एक लग्जरी कार हो, हमें मोटिवेट करता है हमारा प्राइम लोकेशन पे वीआईपी घर हो, हमें मोटिवेट करता है कि यार हमारी जेब में इतना पैसा हो कि हम दुनिया की महंगी से महंगी चीज़ खरीद सकें। बात को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास पैसा आ जाता है, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे आपके पास लग्जरी कार भी होती है, आपके पास एक प्राइम लोकेशन पे वीआईपी घर भी होता है। जब आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आप ये सब चीज़ें अचीव कर लेंगे, आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी, आपका पर्पस, मेहनत करने का पर्पस ख़त्म हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो सेपरेट करती है आम लोगों को बिलियनर से, कि वो इतने कामयाब क्यों हो गए। यही तो बात है जो मैं माइंडसेट नंबर वन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि स्टार्ट पे हो सकता है उन्होंने पैसे के लिए काम किया भी हो, लेकिन उनके बिलियनर बनने के पीछे जो रीज़न है वो यही है कि उन्होंने पैसे के लिए काम नहीं किया,
उन्होंने काम फिर किया किस लिए? उन्होंने काम इसलिए किया जीतने के लिए। उन्होंने काम इसलिए किया क्योंकि वो जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। उन्होंने काम इसलिए किया है क्योंकि सिंपली उन्हें उस काम से मोहब्बत है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये डायरी चाहिए, मुझे मोटिवेट करता है कि यार मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे एक डायरी चाहिए, यहाँ पे पड़ी है। मैं मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ इस डायरी को हासिल करने के लिए। जब तक ये डायरी मैं हासिल नहीं कर लेता तब तक तो मैं मोटिवेट रहूँगा, उसके लिए मेहनत करता रहूँगा। लेकिन जैसे ही इस डायरी को मैं हासिल कर लूँगा, मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो गई। अब क्या, अब मैं नई मोटिवेशन ढूंढूंगा। फॉर एग्जांपल, ये पेन जब तक नहीं मिलेगा मैं मोटिवेट रहूंगा, मिल जाएगा मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगी। तो क्यों ना एक ऐसी मोटिवेशन डिफाइन कर ली जाए, एक ऐसी मोटिवेशन सेलेक्ट कर ली जाए जो कि लाइफ टाइम रहे। तो यही बात है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं उन्हें मोटिवेट यही चीज़ करती है कि वो जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के टॉप लेवल पर रहें, वो जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में नंबर वन रहें। वो इसलिए मोटिवेट रहते हैं क्योंकि वो जो भी काम करते हैं उस काम से उन्हें मोहब्बत होती है, वो दिल के साथ वो काम करते हैं, इसलिए वो कभी थकते नहीं, कभी उनकी मोटिवेशन लूज नहीं होती। आपको एक मिसाल भी देता हूँ, स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जब मैं 23 साल का था मेरी वर्थ थी $1 million, जब मैं 23 साल का था। जब मैं 24 साल का हुआ मेरी वर्थ हुई $10 million, लेकिन जब मैं 25 साल का हुआ तो मेरी वर्थ तब तक हो चुकी थी $100 million। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद कभी पैसा था ही नहीं, मेरा मकसद था कि मैं ऐसा एक प्रोडक्ट बनाऊं जो पूरी दुनिया में टॉप लेवल पे हो। जब भी कोई मोबाइल का नाम सोचे तो सबसे पहले उसके जहन में एप्पल आए, ये पर्पज़ था उनका। और ये चीज़ मोटिवेट करती है किसी भी बिलियनियर को, इतना हाई लेवल उनका माइंडसेट होता है। तो यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल मेंटेलिटी वाले शख्स का और एक बिलियनियर मेंटेलिटी वाले शख्स का। ये था माइंडसेट नंबर वन। अब मूव फॉरवर्ड करते हैं माइंडसेट नंबर टू पे। माइंडसेट नंबर टू ये है कि दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं उनके पास एक्सेप्शनल पीपल स्किल होती हैं। पीपल स्किल से मतलब क्या है कि वो लोगों को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लोगों को टैकल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। मिसाल देखिएगा, जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं, जाहिर सी बात है उनकी फॉर्म में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन जब उन्हें लोगों को टैकल करना ही नहीं आएगा, लोगों को हैंडल करना ही नहीं आएगा, तो वो किस तरीके से इतनी बड़ी फर्म को चला सकेंगे? जैक मा जो कि फाउंडर और सीईओ हैं अलीबाबा के, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मेरा काम क्या है कि मैं अपने से स्मार्ट लोगों को इकट्ठा करता हूँ अपनी कंपनी में और उन लोगों को सिर्फ लीड करता हूँ। जितने भी बिलियनियर्स हैं उनके पास एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स होती हैं। इसमें एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए भी ये है कि आप लोग भी अगर सक्सेस चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि दुनिया में काम करने के लिए आपको लोगों की मदद की ज़रूरत है। लोगों की मदद सिर्फ वही नहीं जो आपके अंडर काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉई हैं, लोगों की मदद ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं ये नोटबुक सेल करना चाहता हूँ, इसको मैं बेचूँगा, किसी शख्स को ही बेचूँगा ना, तब उसको बेचने के लिए मुझे उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मेरे पास पीपल स्किल होंगी तो ही मैं इस चीज़ को, इस नोटबुक को सेल कर सकूंगा, मैं लोगों के साथ निगोशिएट कर सकूंगा, लोगों को चीज़ें बेच सकूंगा। इसके लिए मेरे पास ये स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी सीखिए। जो आपकी डिग्रीज हैं वो आपको कभी भी स्किल्स नहीं देती, चाहे कोई भी आप डिग्री ले आएँ वो आपको स्किल नहीं देती, स्किल्स आपको सीखना पड़ेंगी सेपरेटली। ठीक है, अगर आपको सक्सेस चाहिए, या फॉर एग्जांपल आप में से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और वो कामयाबी को नहीं हासिल कर पा रहे, तो हो सकता है उनकी नाकामी की वजह ये भी हो कि उनके पास पीपल स्किल नहीं है, उनको निगोशिएट करना नहीं आता, उनको लोगों को अंडरस्टैंड करना नहीं आता। जितने भी सक्सेसफुल बिलियनियर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, कभी आप उन्हें स्टेज पे कम्युनिकेट करते देखें, कम्युनिकेट करते सुने आप उन्हें, आपको इंटायरली डिफरेंस नज़र आएगा आम शख्स में और किसी इतने सक्सेसफुल लोग में। एलन मस्क जिनका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, आप उन्हें कभी स्टेज पे परफॉर्म करते देखिएगा, उन्हें कभी स्टेज पे परफॉर्म करते सुनिएगा, आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि यार वो कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए लोग कैसे किसी को कन्विंस करते हैं। इसके लिए इन शॉर्ट आपके पास पीपल स्किल होनी चाहिए। पीपल स्किल्स की एक लिस्ट भी है जिसमें आपकी सेलिंग स्किल्स आती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स आती हैं। ये सब स्किल्स हैं जो कि पीपल स्किल्स में आती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन स्किल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख लें। अब बारी आती है हमारे माइंडसेट नंबर थ्री की। माइंडसेट नंबर थ्री ऑफ अ बिलियनियर वो ये है कि जितने भी बिलियनियर हैं वो हमेशा चीज़ों को एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ आपको, एक बंजर ज़मीन है, उस ज़मीन को आप किसी मिडिल क्लास शख्स को दिखा देना
वो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या देखेगा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये देख लेगा मेरा कि यहाँ पे बहुत अच्छा घर है, मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ इस घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ये देखेगा। जबकि एक बिलियनर वहाँ पे क्या देखेगा, बिलियनर ये देखेगा कि इस बंजर ज़मीन पे मैंने एक बहुत बड़ा फोरप्लेक्स बना दिया। वो क्या देखेगा, मैंने इस बंजर ज़मीन पे एक बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया, मैंने इस ज़मीन पे एक बहुत बड़ी कमर्शियल मार्केट बना दिया, इस मार्केट को मैंने रेंट आउट कर दिया और मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे मुझे मिलियन ऑफ डॉलर इस जगह से रेंटल इनकम की सूरत में मुझे मिल रहे हैं। बिलियनर ये देखेगा। इसका ये मतलब है जितने भी बिलियनर्स हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो टोटली इंटायरली डिफरेंट माइंडसेट के लोग होते हैं। आप कभी उनके साथ बात करें, उनकी, जैसे कि मैं आपसे बता आपको बताता भी होता हूँ, अगर आप उनकी बायोग्राफीज भी पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। आम लोगों से डिफरेंट सोचते हैं, आम लोगों से डिफरेंट उनका नज़रिया होता है। वो एट द स्पॉट आप उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी पे खड़े खड़े पूरा आइडिया लगा लेते हैं कि मुझे इस जगह से क्या फ़ायदा होने वाला है। वो इस नज़रिए के लोग होते हैं। वेल, अभी के लिए मैंने आपके साथ 3 माइंडसेट शेयर किए हैं जो किसी भी बिलियनर के होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों ने बहुत फ़ायदा दिया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आपके साथ भी शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।